नमस्कार दोस्तों, हमारे पास होंडा एक्टिवा आई जो कि आई है स्कूटी 3G। आज दोस्तों दिखाने वाले हैं स्कूटी में डबल हॉर्न कैसे लगाएं, दोस्तों हॉर्न को कैसे तेज करें। आज हम दिखाने वाले हैं नए तरीका से स्कूटी में होंडा एक्टिवा, जो कि स्कूटी हमारे पास आई है सर्विस में, जो कि कस्टमर भाई ने बोला है कि इसमें हॉर्न आप और तेज लगाइए, जो कि हॉर्न बहुत तेज बजने चाहिए। दोस्तों हम लगाने वाले हैं स्कूटी में, जो कि आज हॉर्न लगा कर हम दिखाएँ कि इसमें स्कूटी में डबल हॉर्न, जो कि कंपनी इसमें सिंगल हॉर्न लगा देती है, तो इसमें आज हर स्कूटी में हम डबल हॉर्न लगा के दिखाएंगे कि डबल हॉर्न कैसे सेट करें, स्कूटी में लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चलो दोस्तों जरूर फॉलो करें। दोस्तों मैंने वीडियो में आपके विषय में ले आते रहेंगे दोस्तों, बाइक के विषय में खास और स्कूटी के विषय में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, दिखाने वाले हैं स्कूटी में हॉर्न कैसे लगाएं, डबल हॉर्न कैसे लगाएं, स्कूटी में कैसे फिट करें। दोस्तों पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने चाबी को ऑन कर दिया है, इसमें सिंगल हॉर्न लगा हुआ है, इसमें हम डबल हॉर्न लगाने वाले हैं। तो आज दिखाएंगे आसानी से आप नए तरीके से इसमें आप डबल हॉर्न लगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉर्न लगाने के लिए आपको पहले ये कवर को खोल लेना है, हॉर्न कवर जो सामने होता है, इसमें बैटरी होता है, हॉर्न होता है, CDI वगैरह होता है इसमें, जो कि हॉर्न लगाने के लिए आपको ये कवर खोल लेना है। हम कवर को पहले हमने खोल लिया है, जो कि हम आपको दिखाते हैं, हमने कवर खोल लिया है। इसमें चार पेंच होता है, पेंच को आपको खोल लेना है जब भी हॉर्न लगाना हो, तो कवर को ऐसे निकाल लेना है बाहर। इसमें जो कि कंपनी का हॉर्न लगा हुआ है, तो इसमें हम डबल हॉर्न लगाने वाले हैं। ये हमारे पास मिंडा कंपनी का हॉर्न है, जो कि ये करीब 150 रुपये तक आता है ये स्कूटी का हॉर्न। तो इसको हॉर्न को हम फिट करने वाले हैं। हॉर्न पहले हम आपको इसे दिखा देते हैं, हॉर्न हमने निकाल लिया बाहर, सेम वही हॉर्न है जो कि इसमें लगा हुआ है पहले से ही। तो इसमें भी हम लगाएंगे हॉर्न, स्कूटी वाला हॉर्न एक्टिवा, जो कि कंपनी लगा देती है। तो लगाने का सही तरीका क्या है, इसका वायरिंग कैसे करें, डबल हॉर्न जब बजाने के लिए वायरिंग कैसे करें, तो आज हम दिखाएंगे आसानी से आप वायरिंग कर सकते हैं डबल हॉर्न बजाने के लिए। तो आपको ये दो तार ले लेना है। दोस्तों हमने इसमें दोनों तार, जो कि हमने इसमें दोनों क्लिप लगा दिया है, दो डबल हॉर्न लगाने के लिए आपको ये दोनों तार ले लेना है, इसमें आपको ये हॉर्न क्लिप मार्केट से मिलता है, आपको ये दोनों हॉर्न क्लिप ले लेना है। तो आपको डबल हॉर्न लगाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये आपको दोनों तार ले लेना है, दोनों ये क्लिप, तो हमने ये फिट कर लिया है, जो कि क्लिप हमने लगा लिया है तार में। अब इसके बाद हम इसमें कनेक्शन करेंगे, इसमें आपको ये कनेक्शन कर देना है, ऐसे तार निकाल देना है, एक तार आपको ऐसे में इसमें लगा देना है, इसे एक तार इसमें लगा देना है। इसके बाद आपको ये क्लिप लगा देना है दोनों, इसमें दोनों क्लिप लगा देना, फिट कर देना, कनेक्शन जो कि कर देना है कायदे से अच्छे से। इसके बाद आपको ये हॉर्न फिट करने के लिए आपको ये बोल्ट खोलना पड़ेगा, इसके लिए आपको 10 नंबर की टामी लेना पड़ेगा, 10 नंबर टामी लेके आपको इसे हॉर्न ये खोलना पड़ेगा यहाँ पास, जो कि बोल्ट 10 नंबर। ऐसे बोल्ट को खोल लेना है बाहर। अब इसके बाद यहाँ पास टाइट करेंगे हम, ऐसे आपको बोल्ट टाइट कर देना है यहाँ पास। दोनों में बोल्ट, हॉर्न के बोल्ट जो कि इसमें फिट कर रहे हैं, इसमें आपको ये टाइट कर देना है। उसके बाद इसमें क्लिप लगा देना है, इसे एक क्लिप इसमें लगा देना है,
हमने दोनों फिट कर दिया है, जो कि हमने पूरा कनेक्शन कर दिया है। जो कि दोस्तों आज हमने दिखाया कि इस तरह आप स्कूटी में हॉर्न लगा सकते हैं, डबल हॉर्न, खासतौर होंडा एक्टिवा में जो इसमें आ रही है, तो आसानी से आप डबल हॉर्न लगा सकते हैं स्कूटी में। तो इसके बाद दोस्तों हम चेक करने वाले हैं हॉर्न, देखते हैं कैसे बजता है, दोनों तेज हुआ कि नहीं हॉर्न स्कूटी का। दोस्तों स्कूटी का हॉर्न हो गया है जैसा कि आज हमने दिखाया है। आसानी से आप स्कूटी होंडा एक्टिवा में खासतौर आप डबल हॉर्न लगा सकते हैं आसानी, जैसा कि आज हमने दिखाया दोस्तों। आसानी से आप डबल हॉर्न का कनेक्शन कर सकते हैं जैसा कि आज हमने दिखाया दोस्तों।